हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैंने मैथमेटिक्स 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बना दिया है। एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया 4 सेमेस्टर सीएसई वालों के लिए, जिस प्लेलिस्ट में आपको मैथमेटिक्स 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा। साथ ही साथ बेटा, एल्गोरिदम वाला जो आपका सब्जेक्ट था उसका भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। और आज हम लोग COA के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है? तो अगर आपने इन दो वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यार, COA में एक बात आप समझ लो कि आपको करना क्या है। यहाँ पे दो चीजें आपको मिलेंगी। पहला आपको मिलेगा थ्योरी, ठीक है? जब आप इसके आंसर याद करेंगे ना बेटा, तो आपको थ्योरी मिलेगा, और थ्योरी के साथ साथ आपको मिलेगा ब्लॉक डायग्राम। क्या मिलेगा बेटा? आपको मिलेगा ब्लॉक डायग्राम। इस तरीके का कुछ रहेगा, ठीक है? यहां पर कुछ आपका लिखा हुआ रहेगा, फिर एरो बनाकर ऐसे, ठीक है? तो फिर इस तरीके से ये आपका क्या है बेटा? ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है? तो एक बात आप समझना कि जिस क्वेश्चन में ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही बेटा। और एक बात वो समझना कि सर, थ्योरी आप कितना भी कर लो, अगर आप ब्लॉक डायग्राम नहीं बनाते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। जैसे मैंने एल्गोरिथम के बारे में बताया था कि थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर ब्लॉक डायग्राम है क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है, तो आपको ब्लॉक डायग्राम अच्छे से करना है। अगर आप अच्छे से ब्लॉक डायग्राम को कर लोगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आप एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो और उसमें क्या है बेटा, थोड़ा सा थ्योरी है, ठीक है, और थ्योरी के साथ क्या है बेटा, आपका डायग्राम भी है। तो पता है, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं क्या करता, मैं डायग्राम को 100% अच्छे से कर लेता, और इतना अच्छा डायग्राम कर लेता ना बेटा कि इसी डायग्राम को मैं थ्योरी में फिर क्या करता, सेल्फ एक्सप्लेन कर देता। क्या कर देता बेटा? सेल्फ एक्सप्लेन कर देता, मेरा आंसर हो जाता कंप्लीट। तो आपको भी यही करना है। अगर आपको आंसर में ब्लॉक डायग्राम दिखता है तो आप ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से कर रहे हो, उसी ब्लॉक डायग्राम को फिर थ्योरी में क्या कर दें, एक्सप्लेन कर दें, आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब आप ये भी बोलोगे कि सर इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, इतना दिन नहीं है। तो बेटा एक बात आप समझो, यहां पर आप यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 5 अगर आप इतना भी पढ़कर जाते हो, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा? चले तो बारी बारी आप क्या कीजिए, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कीजिए, है ना? ये आपका यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहो ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? तो यहां पर मैंने 20 क्वेश्चन दिए हैं, तो अगर आप इन 20 क्वेश्चंस को कर लेते हो बेटा, तो एग्जाम में 28 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यूनिट 1 बहुत बड़ा है और यहां से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है 28 मार्क्स का, ठीक है? और जैसे यूनिट 1 आप कर लोगे ना, तो यूनिट 1 करने के बाद आप सीधे काम करना, आप आ जाना यूनिट नंबर 5 में, ठीक है? यूनिट नंबर 1 के बाद कहां पर आ जाना, 5 में आ जाना, क्योंकि 5 में क्या पूरा थ्योरी थ्योरी भरा हुआ है, और यहां से क्वेश्चन आता है, मानकर चलो कितना भी खराब तो यहां से 21 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है? तो 28 यहां से हो गए और 21 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहां से हो गए, ठीक है? ये आपका हो गया 9, और 10 11 12 13 क्वेश्चन इसमें है, तो ये आपका हो गया 20 क्वेश्चन प्लस 13 क्वेश्चन, मतलब 33 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप कहां चले जाना बेटा, उसके बाद आप चले जाना यूनिट नंबर 2, ठीक है? वीडियो को रोक करके या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यूनिट नंबर 2 में चले जाना है। सारी चीजें मैंने यहाँ पे समझा दी हैं, ठीक है? आप इतने क्वेश्चन को कर लो बेटा। 12 क्वेश्चन है यहाँ पर, जहां पे न्यूमेरिकल पूछता है, यूनिट 2 से न्यूमेरिकल पूछता है, तो पुराने जो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल है वो कर लेना। तो कितने हो गए अपने पास, 20 हो गए ये, ठीक है, और आपके 13 हो गए थे वहां, और यहाँ पर 11 मान लो, तो 20 13 33, और ये आपका 44 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आप आ जाओ यूनिट नंबर 3 में, ठीक है? यूनिट नंबर 3 में छोटे छोटे आंसर है, ज्यादा बड़े बड़े आंसर्स नहीं है, लेकिन यूनिट नंबर 3 कर ही लेना बेटा, ठीक है? चलो यूनिट नंबर 3 में भी 13 क्वेश्चन है, तो 44 और आपका 13, ये मिलाकर हो जाएगा 57 अप्रॉक्स। आप मान के चलो कि 50 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपका B+ ग्रेड आ ही जाएगा, ठीक है? चलो तो अब मैं काम करता हूं 1 by 1 यूनिट से, मैं फॉरवर्ड करता हूं, आप चाहो तो नोट कर लो, ये यूनिट 1 स्क्रीनशॉट लीजिए इसका,
ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, यूनिट वन कंप्लीट हो गया, ये यूनिट टू है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये यूनिट टू का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दिस इज यूनिट नंबर थ्री, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत मुश्किल से मैंने बहुत मेहनत करके बनाया भाई साहब, ठीक है, इतने क्वेश्चन कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ। फिर यूनिट नंबर फोर आप वैसे खुद से भी कर सकते हो, इजी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कम पूछता है, इसलिए मैंने यूनिट फोर को थोड़ा साइड रखा है, ठीक है। इसमें भी 11 क्वेश्चन है, चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपका यूनिट नंबर फाइव, ठीक है बेटा, चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी को मैथमेटिक्स 3 का कोर्स करना है तो 699 अभी फीस चल रहा है, तो आप वहां पे जाके 699 फीस देकर आराम से मैथमेटिक्स 3 का कोर्स कर सकते हैं। अब आपके जो बचे हुए दो सब्जेक्ट है विद इन इस वीक, इसी वीक में उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। और मैंने क्या बोला, अगर 40 से 50 क्वेश्चन आप करके जाते हो, और यहां पर क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम पे फोकस करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप आंसर याद कर रहे हो, ब्लॉक डायग्राम है तो अच्छे से करना है उसको, और एग्जाम में अच्छे से बनाकर आना है। आप मानकर चलो आपका बी प्लस कहीं नहीं गया है, और अगर आप ब्लॉक डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको हो सकता है कि वो फेल भी कर दे, और अगर फेल नहीं भी करेगा तो सी या तो डी ग्रेड आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे जो दोस्त वगैरह थे, कुछ लोग हैं जो आरडीपीपी में कॉपी चेक कर, उनसे मैंने बात किया, पूछा उनसे भैया क्या है इसके बारे में बताइए, तो बोला इरफान अगर ब्लॉक डायग्राम बच्चा कर लेता अच्छे से तो उसे अपन अच्छे नंबर देते हैं, ठीक है ना। बाकी छोटे छोटे चूरीज है उनको पॉइंट वाइज याद करना, कहानी मत बनाना। जैसे कि आप कोई चूरी कर रहे हो और वो ऐसा है बहुत सारा, तो इसको आप क्या करना बेटा, कोशिश करना पॉइंट वाइज लिखने का। तो पॉइंट वाइज जब अपन लिखते हैं ना बेटा, तो यहाँ पर क्या होता है कि कम भी लिखते हैं ना तो वो ज्यादा दिखता है, ऐसा नहीं है। पॉइंट वाइज लिखोगे, कम भी लिखोगे ना तो वो ज्यादा भी दिखेगा और सुंदर भी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले कॉपी में जब आप एग्जाम में जाओगे, एक सुंदर कॉपी लिख कर आना, अच्छे नंबर आते हैं बेटा, यहाँ से आपके CGPA क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, जब तक अपन ने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।